भरूचना जाडेश्वर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव घाट खाते दादा गुरु ने उपस्थिति में महाआरती अने प्रवचन नु आयोजन करायु हतु। दादा गुरु ना गुजरात प्रवास दरमियान तारीख 4 मे थी 6 मे 2023 सुधी भरूच जिल्ला में वृक्षारोपण सहित विविध कार्यक्रमों आयोजन करवामां आव्या छे। भारत वर्ष की एकमात्र नदी के जेनी परिक्रमा करवामां आवे छे तेवी मां नर्मदा नदी नु पाणी अमृत छे। नर्मदा माता नुं नीर पाणी थी नथी परंतु संजीवनी समान छे ए सत्य प्रस्थापित करवा छेला 30 महीना थी फक्त नर्मदा जी ना नीर उपर ज रहीने 300 किलोमीटर नी परिक्रमा दादा गुरुए हमणां ज पूर्ण करी छे। तेओ मां नर्मदा ना किनारा ने मठ अने तेनी आसपासना वृक्षों अने पर्वतों ने भगवान समान माने छे। 2 वर्ष 6 महीना थी पण वधु समय थी मात्र ने मात्र नर्मदा जल संग्रह करी स्वस्थ छे। दादा गुरुनी उपस्थिति में जाडेश्वरना नीलकंठेश्वर घाट खाते नर्मदा मैयानी महाआरती नु आयोजन संध्या काढ़े करवामां आव्युं हतुं, जेमां साधु संतो राजकीय अग्रणीओ उच्च अधिकारीओ सहित विविध क्षेत्रना अग्रणीओ अने नर्मदा प्रेमीओ उपस्थित रह्या हता। आ प्रसंगे दादा गुरुना प्रवचननुं पण आयोजन करायुं हतुं, जेमां दादा गुरुनुं जणाव्युं हतुं कि आपणे जेटला प्रकृतिनी नजीक रहीशुं तो ते आप मेळे ज आपणे बचावशे। आपणे पाणी पृथ्वी पहाड़ वृक्षनी पूजा अमस्ता ज नथी करता, आ आपणी सनातनी संस्कृति अने परंपरा छे। आपणे मां नर्मदानी परिक्रमा करीए छीए अने बीजी तरफ प्लास्टिकनो कचरो अने गंदगी तेना किनारे ज फेंकीए छीए। प्रकृतिनुं जतन ए आपणी प्राथमिकता होवी जोईए। प्रकृतिना रक्षण ने संवर्धन माटे तमामे आगळ ध्यान देना, जहां चलना साधना कहलाती है। देखो लाखों भक्त प्रेमी नर्मदा मैया के पथ पर चलते हैं, उसके पथिक बनते हैं। जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है, कोई दुनिया में ऐसा पथ नहीं जहां तुम चलो और साधना कहलाए। नहीं, आप कहीं भी दुनिया में सैर करो, कहीं भी चलो, किसी भी पथ चलो, ऐसा दुनिया में कोई पथ नहीं जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है। और यदि कोई जाने अनजाने में भी बैठा तो जहां बैठना उपासना हो जाती है। बोले दुनिया में कौन सा ऐसा पथ है जहां चले तो साधना है और बैठे तो उपासना है। बोले रीवा का पथ है, नर्मदा का पथ है, जहां चले तो साधना और बैठे तो। अब इतनी सहज साधना और इतनी सहज उपासना कहां मिलेगी कि जहां चलना साधना कहलाती है और जहां बैठना उपासना हो जाती है। एक ऐसी साधना, एक ऐसी उपासना, इतनी सहज साधना, इतनी सहज उपासना। और साधना वही है जो जीवन को दिशा देती है, वो साधना है।